मुरादाबाद से खबर है, जहां पर आजाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस द्वारा मुरादाबाद के थाना मसूला क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर सलमान नासिर द्वारा अवैध हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, जिससे संबंध में सीएमओ मुरादाबाद द्वारा 3 बार हॉस्पिटल को सील किया गया, लेकिन 3 बार डॉक्टर द्वारा सील तोड़कर बिना किसी खौफ के हॉस्पिटल अभी भी संचालित किया जा रहा है। क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुख्य बात यह है कि सलमान नासिर एक नर्सिंग होम यहाँ है मझोला थाना क्षेत्र में। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वहाँ उनके जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई, जो पूरी तरह से वहाँ की लापरवाही से हुई। यह एक पहलू। दूसरा पहलू, बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना सीएमओ द्वारा लाइसेंस के वह चल रहा था। यह दूसरा पहलू। हम अभी उसी हद तक यहाँ आए थे, यहाँ आके ज्ञात हुआ कि 3-3 बार सीएमओ ने उसको सील किया। तीसरी बात, जैसा सीएमओ ने खुद स्वीकार किया कि वहाँ वेल्डिंग कराई गई, उसके बाद अब मालूम चल रहा है कि वो वेल्डिंग काट दी गई है और दोबारा उसको खोल दिया गया है। हमें 2 पत्र प्राप्त हुए हैं सीएमओ के, जो थानाध्यक्ष और एसएसपी को भेजे गए हैं, जिसमें इन दोनों प्रकरणों में एफआईआर की मांग है। सीएमओ ने एसएसपी को लिखा एफआईआर के लिए, इसके बाद भी अब तक एफआईआर नहीं हुई है। और 3 बार इनके द्वारा लगाया गया सील उसको तोड़ दिया गया है। यह पूरा संदर्भ बताता है कि मुरादाबाद में जो प्रशासन की स्थिति, पुलिस की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्था भयावह है। सीधे सीधे ये घूसखोरी का, भारी घूसखोरी का मामला दिखता है, जहाँ बिना लाइसेंस के नर्सिंग होम चल रहा है। सीएमओ, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, डीआईजी सब की जानकारी में और यह सब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 3 बार सील करने के बाद वो काट दे रहे हैं उसको। यह स्थिति है सर। आपसे मेरा सवाल है, ये एक पहले हॉस्पिटल का मामला नहीं है, बल्कि मुरादाबाद के अंदर देखा जाए तो हॉस्पिटल सील होते हैं और चंद दिनों बाद खोल दिए जाते हैं। ये किस तरह का मामला है कि आखिर वो क्यों खोले जा रहे हैं? अभी तक कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसको सीज किया हो, उस पर सख्त कार्रवाई की हुई है, बाद में चंद दिनों में खोल दिए जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि मेरे पास ये घटना का संज्ञान था। अब जब मैं आपके साथ आया हूँ, मैं जो मालूम किया है, तो मुझे सीधे सीधे ये एक रैकेट दिखता है, जहाँ पर जानबूझ के इनको सील किया जा रहा है, खोला जा रहा है। इसमें इस कार्यालय के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और जाहिर सी बात है कि नर्सिंग होम, और ये जिंदगी के साथ खुला खिलवाड़ है। हमारी पार्टी के हमारे जो साथी हैं, हम ऐसे सभी डाटा को कलेक्ट करेंगे, इसको हम डीजी मेडिकल हेल्थ के सामने ले जाएंगे, और यदि उस स्तर से भी हमें न्याय नहीं मिलता है इन गलत नर्सिंग होमों के खिलाफ कार्रवाई, उनको शह देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, एफआईआर, तो हम इस मामले को लोकायुक्त और हाई कोर्ट तक ले जाएंगे। आश्वासन मिला सीएमओ? सीएमओ ने मुझे यह बताया, उन्होंने 2 बातें बताई। एक तो बताया कि जो अब की वो कार्ड दिया गया है उसको तत्काल उसको सील करवाएंगे, एक उन्होंने यह कहा है, और अब की पूरी कमेटी भेज के बनवाएंगे, एक तो उन्होंने मुझे यह बताया है। दूसरे, उन्होंने मुझे 2 पत्र दिखाए हैं जो एसएसपी को भेजे गए हैं, और ये इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को दिखाता है कि आखिर सीएमओ द्वारा एफआईआर दर्ज करने की जो अनुरोध है उसको यहाँ की पुलिस नहीं मान रही है। यहाँ की क्या स्थिति है, इसको इस दयनीयता को दर्शा रहा है। हम इसके लिए अभी यहाँ के आईजी से मिलेंगे और इसमें एफआईआर की मांग करेंगे। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।